विषय से ही आपको पता होगा कि आज मैं एक आत्मिक बातों को आप तक पहुंचाना चाहता हूं, ताकि आप उन आत्मिक बातों को समझकर अपने अपने जीवन को नियमित रूप से चला सके मसीह के रूप में, मसीहत में। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बहुत जरूरी है कि हम मसीहत को पहचाने, हम उस आत्मिक अलौकिक चीजों को जाने जो परमेश्वर ने हमें सौंपी है। हालेलुया। हम कौन है मैं आपको कई बार बता चुका हूं। देखिए, मैं आज आपको मेरी जो शिक्षाएं हैं, मेरी जो टीचिंग्स हैं, जो आप देखते हैं, मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों को अच्छी लग रही है। और आपने देखा होगा कि मेरी हर टीचिंग में मैं कुछ ऐसा परमेश्वर से मांगता हूं कि मैं अपने भाई बहनों को दूं, जिससे उनको समाधान मिले। समाधान बहुत जरूरी है। ये कहना कि ऐसा कर लो बड़ा आसान है, इसको ऐसा, लेकिन हम उसको कैसे करें? इस संसार में रहते हुए मसीह जीवन कैसे जिएं? अशुद्ध आत्माओं से कैसे बचें? शैतान के षड्यंत्र से कैसे बचें? वचन पे कैसे चलें? आशीष कैसे ग्रहण करें? प्रार्थना कैसे करें? हालेलुया। कहना आसान है, आप विपत्ति में प्रार्थना कर लीजिए, आपको काम नहीं मिल रहा प्रार्थना कर लीजिए, लेकिन क्या कैसे करें प्रार्थना? प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं। ये कहना ही आसान, कहना नहीं है कि आप विपत्ति में, मैं आलस में हूं, प्रार्थना कर लो, मुझे काम नहीं मिल रहा प्रार्थना कर लो। ठीक है, प्रार्थना हमें करनी चाहिए, लेकिन कैसे? प्रेज़ द लॉर्ड। हर एक चीज का तरीका होता है काम करने का। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो आज का जो विषय है बहुत अच्छा है। आपके जीवन में कई सवाल होंगे, आज मैं उन सवालों को भी आप तक आपका जवाब देना चाहूंगा। हालेलुया। कई सवाल, और सबसे महत्वपूर्ण सवाल हम सब के जीवन में एक आता है कि जब हम यीशु मसीह को जानते हैं, जब हम यीशु मसीह को अपने अंदर ले चुके हैं, जब हमने बपतिस्मा लिया है, और जब हम यीशु मसीह से प्यार करते हैं, फिर हमारे जीवन में संकट क्यों आ रहा है? फिर हमारे जीवन में दुख क्यों आ रहा है? फिर भी हम क्यों सुकून से नहीं है? हम फिर क्यों चैन से नहीं है, आनंद से नहीं है? क्यों एक अंदर बेचैनी सी, दिल धक धक करता रहता है हमेशा? क्या होगा मेरा कल, क्या होगा मेरे जीवन का, क्या होगा मेरे बच्चों का? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये सवाल होता है बहुत से मसीहों के जीवन में है। मुझे बहुत फोन्स आते हैं और मैं उनको तसल्ली बख्श आंसर देने की कोशिश करता हूं, ताकि वो उस समाधान को समझें जिससे आपको आनंद मिल सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आनंद परमेश्वर दे चुका है, यीशु शांति दे चुका है। अब वो शांति और वो आनंद हमारे जीवन में कैसे रहे, हमें ये देखना है कि वो आनंद और जीवन हमारे जीवन में कैसे रहेगा, ये बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम आज का वचन शुरू करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और पहले ही मैं आपको क्यों बताना चाहता हूं कि ये जो वचन है वो आपसे रिलेटेड है। प्रेज़ द लॉर्ड। और आपके जहन में भी सवाल कौन सा होगा, जैसे मेरे जहन में जब मैंने ये वचन पढ़ा था तो सवाल आया था, उसी तरह आपके वचन में भी आया होगा। लूका 22 का 31वां वचन। देखिए, पतरस और उसके चुने हुए 11 चेले इस समय, जब ये 22 अध्याय है, जब गतसमनी के समय यीशु मसीह वहां पर आए, तो तकरीबन 3.5 साल हो गए। हालेलुया। 3.5 साल से ये चेले यीशु मसीह के साथ थे, वो हर शिक्षा को सुनते थे, उन्होंने यीशु मसीह को मुर्दों को जिंदा करते हुए देखा, अंधों को आंखें देते हुए देखा, बहरों को कान देते हुए देखा, पानी पे चलाते हुए देखा, हजारों लोगों को खाना खिलाते हुए देखा। यानी कि अद्भुत तरीके से इन चेलों ने यीशु मसीह को देखा, और सिर्फ बोलते हुए नहीं देखा, जो वचन यीशु मसीह बोलते थे उसके अनुसार चलते भी थे। तो यानी कि साक्षात एक गवाह के रूप में इन चेलों ने यीशु मसीह को देखा कि हमें किस तरीके का जीवन निभाना है, हमें किस तरीके से चलना है, ये इन्होंने यीशु मसीह को वहां पर देखा। अब यहां पर क्या हुआ कि जब 22वां आया तो यीशु मसीह ने पतरस से कहा, जो कि अपने आप को परमेश्वर का चेला समझता था, जो समझता था कि मैं यीशु मसीह का पूरा प्यारा चेला हूं और मैं पूरी तरीके से यीशु मसीह से प्यार करता हूं, तो यीशु मसीह ने उससे कहा, पतरस, हे शमौन, देख, शैतान ने तुम लोगों को गेहूं के समान पटकने के लिए आज्ञा मांग ली है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या बोला यीशु मसीह? कि शैतान ने तुम लोगों को गेहूं की तरह
पटकने के लिए आज्ञा मांग ली है। किससे? परमेश्वर से। किससे? मुझसे। और मैं मना नहीं कर पाया। हेलो, मैंने सिर्फ प्रार्थना की है कि तेरा विश्वास ना चला जाए। मेरे सलाट, शैतान की इतनी हिम्मत कि वो एक मसीह को गेहूं की तरह पटकने के लिए आज्ञा मांग ले? शैतान की इतनी हिम्मत कि वो एक मसीह जो कि आत्मा में है, जो कि बपतिस्मा ले चुका है, जो यीशु मसीह को जानता है, जो बाइबल पढ़ता है, उसके जीवन में शैतान आ सके, उसकी इतनी हिम्मत? यस। देखिए, यीशु मसीह भी नहीं रोक पाए। क्यों? क्योंकि शैतान का घर कौन सा है? अंधकार। शैतान का घर अंधकार है। इसलिए अगर आपके अंदर अंधकार है तो शैतान आएगा और प्रभु नहीं रोक पाएगा। चाहे आपने बपतिस्मा लिया हो, चाहे आपने बाइबल पढ़ी हो, चाहे आपने कुछ भी किया हो, 15 साल, 20 साल, 25 साल से आप यीशु मसीह में हो, अगर आपके अंदर अंधकार है तो शैतान आपके अंदर आएगा। अब पौलुस के अंदर कैसे अंधकार आया? अगर आप कुछ वचन पहले पढ़ेंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि उनमें घमंड आ गया था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब सवाल यह होता है कि अधिकार जो शैतान के पास है अंधकार में आने का, वो कहां से आया? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए, मैं आपको फिर बता रहा हूं, इस सेशन को अगर आप ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे तो ही आपको आशीष मिलेगा। ध्यान से अपने फोन्स वगैरह रखकर सारे काम खत्म करने के बाद बैठिए आप परमेश्वर के इस वचन को सुनने के लिए, तो आपके जीवन में आपको लाभ मिलेगा और आप आशीष पाएंगे आज के वचन से। जिन्होंने शेयर नहीं किया है, प्लीज शेयर करिए, ताकि जिसको, जो नहीं जानते हम यहां पर हैं, वो जुड़ जाएं और आपको आशीष मिले। जिसको आशीष मिलेगा, जो इस वचन को सुनकर आशीष पाएगा आपके शेयर करने से, आपको पता है उसका प्रतिफल किसको मिलेगा? आपको मिलेगा। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इसको शेयर करिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उत्पत्ति 1:28 में, 1:26 में परमेश्वर ने सबको बनाया कि हमने, आओ हम इन्हें अपनी समानता, अपने स्वरूप में रचे। और उत्पत्ति 1:28 में उसने आशीष दी। प्रेज द लॉर्ड, ध्यान से सुनिए, मैं इस वचन को आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि ये वचन बहुत गहरा है, ये वचन बहुत गहरा है, और इस वचन के द्वारा आज हम बहुत कुछ जानने वाले हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 1:28 में क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी। ध्यान से सुनिए, क्या करा? परमेश्वर ने आदम को आशीष दी। परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ और उसे अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर चलने फिरने वाले प्रत्येक जीव पर अधिकार रखो। यानी कि इस वचन में परमेश्वर ने दो चीजें दी उनको, आशीष और अधिकार। फूलो फलो, धरती पर भर जाओ और अधिकार रखो, उनको वश में रखो। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जैसे आप कहानी जानते हैं, आप जानते हैं उत्पत्ति में आगे क्या हुआ। तो उत्पत्ति 3 में पाप आया, शैतान आया और उसने हवा को बहकाया, और जो आदम था वो इस अधिकार का, उत्पत्ति 1:28 के अधिकार का उपयोग नहीं कर पाया। प्रॉब्लम यही है, हालेलुया, समस्या यही है। वो उस अधिकार का अगर उपयोग करता, अगर वो शैतान को बोलता, शैतान यहां से जाओ, ऐसा निकल जाओ इस अदन की वाटिका से, तो परमेश्वर रोक देता, उसके सारे रास्ते बंद कर देता, सारे रास्ते बंद कर देता, वो फिर कभी अंदर नहीं आ सकता था। लेकिन आदम ने ऐसा नहीं किया। प्रेज द लॉर्ड। आदम ने उस अधिकार का उपयोग नहीं किया, उसने आज्ञा पालिका, जो आज्ञा थी वो तोड़ी, पाप हुआ और शैतान ने उस अधिकार को ले लिया। वो अधिकार जो था आदम के पास, वो अधिकार किसके पास चला गया? शैतान के पास। अब ध्यान दीजिए, समझ, ध्यान दीजिए, दो चीजें 1:28 में मिली, उत्पत्ति 1:28 में दो चीजें मिली, आशीष और अधिकार। अधिकार चला गया शैतान के पास, क्या रह गया आपके पास? आशीष, वो भी बिना अधिकार के। हेलो, ध्यान दीजिए, वो जो आशीष आपके पास रह गया, फलो फूलो पृथ्वी में भर जाओ, वो आशीष बिना अधिकार के आपके पास है। अभी अधिकार तो चला गया शैतान के पास, हालेलुया। और जब उसने आज्ञा तोड़ी, जब हवा ने फल खाया और वो फल उसने आदम को खिलाया,
जो भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष का फल था। हालेलुया। इब्रानियों में अगर हम इसकी इसका अनुवाद करते हैं, इब्रानियों में अगर हम देखते हैं तो भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल का मतलब होता है आशीषित, आशीषित और संकट में लाने वाला फल, आशीष और संकट में लाने वाला फल। इब्रानियों में इसको कहते हैं आशीष और संकट में लाने वाला फल। आशीष कैसे लाते हैं, कैसे आती है, यह परमेश्वर ने आदम को बताया। तो आदम ने वहां से क्या लिया, पाप के रूप में संकट लाना। किस तरीके से संकट लाना है, कैसे लाना है, अपनी जुबान से। कैसे संकट लाया, हालेलुया, शैतान के, कैसे संकट लाया, आदम मानव के जरिए, प्रेज़ द लॉर्ड। यानी कि आशीष और संकट लाने वाला फल, वो भले बुरे के ज्ञान का फल जो बाइबल में लिखा हुआ है इब्रानियों भाषा में, आशीष और संकट देने वाला फल, संकट लाने वाला फल। तो यानी कि शैतान ने आदमी को संकट लाने वाला फल, संकट लाने वाला ज्ञान दिया। हेलो, वहां से क्या मिला उस वृक्ष से, उसको आदम को, संकट लाने वाला ज्ञान। इसलिए परमेश्वर ने कहा था उस फल को मत खाओ, क्योंकि वो संकट लाने वाला ज्ञान आपको देगा। इसीलिए जैसे ही परमेश्वर आए वो छुप गया आदम, और जैसे ही परमेश्वर ने पूछा तू कहां है, उसने दोष लगाया, माफी नहीं मांगी, पश्चाताप नहीं किया, क्योंकि वो उस ज्ञान में संकट लाने वाला ज्ञान था उसमें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब देखिए, ध्यान दीजिए, मैं इसमें आगे बढ़ूंगा, डिटेल में नहीं जाऊंगा, आपको मैं मोटा मोटा समझा रहा हूं कि क्या हुआ था। आशीष रह गया आदम के पास, अधिकार चला गया शैतान के पास। प्रेज़ द लॉर्ड। अब आदम चाहता है कि उस अधिकार का उपयोग जो शैतान के पास है वो मेरे लिए करे, लेकिन शैतान की इच्छा क्या है कि वो परमेश्वर की हर बनाई हुई चीज का सत्यानाश कर दे, हर बनाई हुई शय का सत्यानाश कर दे। जो भी परमेश्वर के काम है वो उसके विरुद्ध चलता है शैतान। उन अधिकारों का उपयोग जो आदम के पास था, उन अधिकारों का उपयोग शैतान ने आदम को नष्ट करने के लिए किया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इस बात को समझिए आप। इसीलिए बाइबल कहती है कि आपकी जो जबान है वो बहुत 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 जरूरी है। आदम को जब परमेश्वर ने बनाया तो आदम की जो देह की संरचना थी ना, वो कभी ना मरने वाली थी। देह की जो संरचना थी आदम की, वो कभी ना मरने वाली थी। उसके अंदर जो कोशियां थी, जो कोशिकाएं थी, हालेलुया, आदम के अनुसार, मानव के अनुसार जो कोशिकाएं हैं वो 7 से 11 साल के अंदर अपने आप नहीं हो जाती हैं। यानी कि परमेश्वर ने आदम को कभी नहीं मरने के लिए बनाया था, लेकिन जैसे उसने पाप किया वो आत्मा में मर गया, लेकिन शरीर में उसे कैसे मरना है उसे पता नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए शैतान को तकरीबन 900 साल से ज्यादा लगे आदम को ये कन्विंस करने में कि तुझे मरना है। हेलो, ध्यान दीजिए, शैतान को आदम को कन्विंस करने में 900 साल से ज्यादा लगे कि तुझे मरना है, और वो 930 साल में मरा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यही होता है, यही शैतान की चाल है। अशुद्ध आत्माएं हमारे जीवन में कैसे आती है, प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, यही अंगीकार आज हम करके गलती करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज आप देखिए, इंसान 40 साल का होता है, 35 साल का होता है, उसके घुटने में दर्द होता है, उसके कमर में दर्द होता है, हालेलुया, उसकी आंखें कमजोर हो जाती है, और वो अपने भाई से कहता, अपनी बहन से कहता, दोस्तों से कहता, यार घुटने दर्द हो रहे हैं, यार अभी चला नहीं जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो दोस्त कहते हैं, माँ कहती है, हाँ अभी 40 साल हो गए हैं, अभी तो घुटने दर्द होंगे, होता है, दिल में दर्द हो रहा है, दिल की बीमारी, हाँ अभी 40-45 साल हो गए हैं, ऐसा होगा, और आप अंगीकार कर लेते हैं। ध्यान से समझिए, क्या कहीं बाइबल में लिखा है कि 40 साल के बाद, 40 साल का होने पर आपके घुटने में दर्द होंगे? क्या कहीं लिखा हुआ है कि आप 25 साल के, 30 साल के होंगे तो आपको, आपकी आंखें कमजोर हो जाएंगी? कहीं लिखा है कि 40 साल में आपके बाल सफेद हो जाएंगे? कहीं लिखा है ऐसा? नहीं लिखा है। लेकिन क्यों? क्योंकि आप अंगीकार कर रहे हैं। कैसे ला रहे हैं आप दुष्ट आत्माओं को, अशुद्ध आत्माएं कैसे आ रही है, कैसे काम कर रहा है शैतान? क्योंकि आप उस संकट के ज्ञान का अंगीकार कर रहे हैं। शैतान आपके अंगीकार, आपको अंगीकार करवा रहा है
वो संकट का ज्ञान जो आपने लिया है फल के द्वारा उसका अंगीकार करवा रहा है। हाँ आप अंगीकार करते हैं। यस यस हाँ, घुटनों में दर्द हो रहा है, अभी 40 साल का हो गया हूँ यार, होता है। अभी बाल भी थोड़े सफेद हो रहे हैं, 40 साल से ऊपर हो गया अभी बाल भी सफेद हो रहे हैं। क्या करूं यार, थक जाता हूं, सीढ़ी नहीं चढ़ पाता हूं। हाँ 40-50 साल में होता ही नहीं, इसीलिए आपके अंदर बीमारियां आती है, इसीलिए। प्रेज़ द लॉर्ड, आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, ये कैसे निकालना है। ये आपके पास है, वो हथियार आपके पास है, कैसे आपको उसको यूज करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए हम मसीह हैं और हम एक नई सृष्टि में। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, ध्यान से दीजिए। यीशु मसीह ने चेलों से पूछा, तुम बताओ मैं कौन, तुम मेरे पीछे चल रहे हो तो बताओ मैं कौन। किसी ने कहा कि यूहन्ना बपतिस्मा वाला, किसी ने कहा यिर्मयाह नबी, किसी ने कहा कुछ, लेकिन पतरस ने कहा कि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है, अभिषिक्त है। हालेलुया। और यीशु मसीह ने क्या कहा कि पतरस, हालेलुया, मती 16 जब पढ़ेंगे, 15, 16, 17 तब आपको पता चलेगा। तो वहां पर यीशु मसीह ने कहा कि पतरस, शिमोन, ये बातें मास्टर लहू ने नहीं, मेरे पिता ने तुझ पर प्रकट की है, धन्य है। किस बात का धन्य कहा उसने, क्योंकि पिता ने तुझ पर प्रकट की है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन कुछ ही वचन के बाद अगर हम देखेंगे, और यीशु मसीह बता रहा था कि किस तरह मैं यरूशलेम में जाऊंगा और मैं पकड़ा जाऊंगा और मुझे लोग मारेंगे, कोड़े मारेंगे और मुझे क्रूस पर चढ़ाएंगे, उसके बाद 3 दिन के बाद जिंदा हो जाऊंगा, वो ये बता रहा था। लेकिन पतरस कहता है कि अरे नहीं नहीं, यीशु मसीह साइड में आइए, क्या कह रहे हैं आप, आपको मरना नहीं है। क्या बात कर रहे हैं आप, नहीं 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 नहीं, आप प्लीज उस तरफ जाइए ही मत। यीशु मसीह ने उसकी सलाह कहा, चल हट शैतान, क्योंकि तू संसार की तरफ मन लगाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, ध्यान दीजिए इस वचन पर। 15वें वचन में क्या कहा कि तू परमेश्वर का पुत्र, अभिषिक्त मसीह है। हालेलुया। किसने कहा, पतरस ने। कब उसने कहा, जब उसने परमेश्वर में मन लगाया, पवित्र आत्मा ने काम किया। लेकिन जैसे ही पतरस ने संसार में मन लगाया, कौन सी आत्मा आई, शैतान। यीशु मसीह ने खुद कहा उसे शैतान, चल हट शैतान। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी नंबर वन, आप जब संसार में मन लगाएंगे तो शैतान आपके अंदर आएगा, अशुद्ध आत्माएं आपके अंदर आएंगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए कभी भी जब आप अंगीकार करें, अगर मान लो कोई आपसे पूछता है, भैया कैसे हैं आप, मैं बहुत आशीषित हूं, हालेलुया, कभी नेगेटिव मत बोलिए। मैंने कई मसीहों को बोलते हुए देखा है कि नहीं यार, बहुत परेशान हूं मैं, बिल्कुल भी काम नहीं चल रहा है मेरा। आज एक सुबह एक फोन आया था, वो बोल रहा है भाई कि मैं परेशान हूँ, मैं यीशु मसीह को 5 साल हो गए लेकिन मैं परेशान हूँ, मैं तंग आ चुका हूँ, नौकरी नहीं लग रही, ये नहीं लग रहा, वो नहीं लग रहा। और मैंने उसको समझाया, मैंने कहा भाई अपनी जुबान से तुम ये शब्द मत निकालो। आपकी मान लीजिए आपके पास नौकरी नहीं है और कोई आपसे पूछता है कैसे हैं आप, मैं बहुत आशीषित हूँ। अरे आपके पास तो नौकरी नहीं है, कोई बात नहीं, परमेश्वर देगा। हालेलुया। घर में कैसा है, बहुत आशीषित है, बरकत है, परमेश्वर की कृपा है, परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर की शांति है। हालेलुया। किसी से भी मिलिए, फोन उठाइए, कैसे हैं आप, मैं बहुत अच्छा हूं, परमेश्वर की कृपा है। हालेलुया। चाहे आपका धंधा चौपट हो चुका है, चाहे आपका धंधा नहीं चल रहा है, लेकिन फिर भी आप अंगीकार करिए। सामने अंगीकार किससे करिए, सामने वाले को। आप नहीं समझ रहे हैं, ये जो शब्द आप अंगीकार के आशीषित शब्द बोल रहे हैं, ये कौन सुन रहा है, प्रभु भी सुन रहा है और शैतान भी सुन रहा है। अगर आप नेगेटिव बोलेंगे, नहीं साहब बिल्कुल मेरा कुछ नहीं हो रहा है, अब कुछ नहीं होगा, अब जिंदगी गई, अब मेरा धंधा चौपट, उम्र भी हो गई है, अब मेरा कुछ नहीं होगा, जहां आपने ये बोला, परमेश्वर अगर आपको आशीष देना भी चाहेगा, लेकिन शैतान आपके वचनों को, आपके मुंह से निकले वचनों को चुराएगा और उसके अनुसार काम करेगा, क्योंकि आपने खुद अंगीकार किया है, खुद आप कह रहे हैं कि मैं अच्छा नहीं हूं। Praise the Lord, ये आत्मिक चीजें सीखना आपको जरूरी है। अगर आप इन आत्मिक चीजों को सीख लेंगे, मैं आपको सच कह रहा हूं, आपका जीवन बदल जाएगा। आप सुबह उठते हैं, प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद परमेश्वर, तूने मुझ पर बहुत कृपा की, तूने मुझे चुना, तूने मुझे आशीष दिया,
तूने मुझ पर कृपा की, तेरा आशीष मेरे साथ है, तेरा अनुग्रह मेरे साथ है। अंगीकार करिए उसकी आशीषों को, और जब किसी से मिलते हैं अंगीकार करिए। विपत्ति का समय है, हालेलुया, कोई आपसे कहता है अद्भुत अनुग्रह परमेश्वर का। बच्चे कैसे हैं? बच्चे अच्छे हैं। बच्चों का भविष्य क्या हो? मेरे बच्चों का भविष्य बहुत अच्छा है, मेरे बच्चे का भविष्य बहुत अच्छा है। आप अपने बच्चों को डांटते हैं, आप अपने बच्चों को शैतान कहते हैं, शैतान की औलाद। आप बोलते हैं कभी नहीं सुधरेगा। कभी कोई मां को तो मैंने कहते सुना है कि अच्छा होता ये पेट में ही मर जाता, क्यों पैदा हुआ? नहीं मेरी बहन, हमें अपनी जुबान से गलत शब्द का उपयोग ही नहीं करना है, हमें धन्यवाद कहना है। आपका पति मान लीजिए शराब पीता है और वो आपको मारता भी है, हो सकता है, उसके लिए प्रार्थना करिए। दोष मतलब है, उसकी गलती नहीं है, क्योंकि पति के अंदर दुष्टात्मा है। ये जो अशुद्ध आत्मा है वो उसके अंदर है, वो आदमी गलत नहीं है। आप उसे गलत दोष दे रहे हैं, आप गलत कोस रहे हैं उसे, आप अपने पति को कोस रहे हैं। वो अच्छा आदमी है। अगर मान लीजिए आपके पति के अंदर से ये पाप निकल जाए, शराब पीने का, आपको मारने का, गाली गलौज करने का, बहुत अच्छा इंसान है, आपको तो ऐसा पति चाहिए था ना, प्रेज द लॉर्ड, ये भी हो सकता है आपका पति। लेकिन उसके लिए आप क्या करिए? धन्यवाद करिए। आपको जो पिता मिला, आपको जो पति मिला है, धन्यवाद करिए। प्रार्थना में रहिए। कोई सहेली पूछे, अरे भाई क्या हुआ आपके पति शराब पीते हैं, कोई बात नहीं छूट जाएगी, बिल्कुल मेरा पति, मेरा पिता यीशु मसीह, मेरा परमेश्वर उस शराब को छुड़ा देगा, बिल्कुल मुझे विश्वास है मेरा यीशु उनको आशीष देगा, मेरा यीशु उनके मन को बदलेगा, मेरे पति बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, मेरा बच्चा बीमार है बिल्कुल ठीक हो जाएगा, मैं विश्वास करती हूँ जिन हाथों में है परमेश्वर उसको आशीष देगा, बहुत अच्छा होगा, मेरा बिजनेस अच्छा होगा, मेरी सर्विस अच्छी होगी। हो सकता है आपके सर्विस में कोई आपके कुलीग्स ऐसे हों जो आपको तंग करते हो, कोई हो आपके सहपाठी ऐसे जो आपको तंग करते हैं, कोई बात नहीं, उनके लिए प्रार्थना करिए। बाइबल में लिखा हुआ ना मत्ती 5:43-44 के बीच में, अगर जो कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाता है, जो तुम्हें सताता है, उसके लिए प्रार्थना करो, प्रेज़ द लॉर्ड, ताकि हमारे मन में पॉजिटिव फीलिंग आए, नेगेटिव फीलिंग ना आए। आपको पता लगता है कि बचपन में आपके पिता ने आपके संग बुरा किया था, आपकी माँ ने आपके संग बुरा किया था, आपके पड़ोसी ने आपके संग बुरा किया था, कोई ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे जीवन भर हमारा पीछा नहीं छोड़ती है। प्रेज द लॉर्ड, उनको क्षमा करिए, उनको क्षमा करिए, अपने अंदर से उस गंदगी को निकाल दीजिए, माफ करिए, धन्यवाद, कोई बात नहीं परमेश्वर, उनको ज्ञान नहीं था, उन्होंने मेरे संग ऐसा किया, मुझे ज्ञान मिला है, मुझे उनको क्षमा करना है। कभी कभी क्षमा स्वीकार ना भी करना बीमारी है। कभी कभी क्षमा अगर आप स्वीकार नहीं करेंगे, किसी ने आपको क्षमा किया, क्षमा कर दिया और आपने स्वीकार नहीं किया, आपके अंदर बीमारी बनी रहेगी, बंधन बना रहेगा। हमारे पास्टर भाई हैं, वो मुझे बता रहे थे, बहुत साल पहले की बात है, हमारे अच्छे दोस्त हैं, वो बता रहे थे कि मेरे एक दोस्त ने मुझे हॉस्पिटल में बुलाया और उसने कहा कि यार मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है और वो ठीक ही नहीं हो पा रही है, बिल्कुल ठीक नहीं हो पा रही है, और दिन पर दिन उसकी तबीयत नीचे गिरती जा रही है। तो ये जो हमारे दोस्त थे, पास्टर थे, तो उनके दोस्त ने कहा कि पास्टर आप प्लीज आइए और प्रार्थना करिए। उन्होंने कहा ठीक है, वो गया हॉस्पिटल में और उन्होंने देखा उसकी बहू खड़ी हुई थी। परमेश्वर ने उनके मन में डाला, उनसे कहा कि माँ जी आपकी कैसी तबीयत है? ठीक नहीं, खाया नहीं जा रहा, आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। तो परमेश्वर ने उनसे बात की और परमेश्वर ने कहा आपकी बहू कैसी है? आपकी बहू नहीं, ये जब से ये आई है इसने मेरे बेटे को मुझसे अलग कर लिया है, ये आपकी बहू है? नहीं नहीं नहीं, इसको मुझे बहू मत कहो, ये चुड़ैल है, ये है वो है, जब से ये आई है तब से इसने मेरे बेटे को अपने उंगली में, अपनी मुट्ठी में कर लिया है, यही तो है जड़ जिसकी वजह से मैं बीमार हूं, ये वो फला 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 वो बोलने लगी माँ। और ये तो सोचने लगा, उठ के आ गया, उसके दोस्त ने कहा पास्टर आपने प्रार्थना नहीं की। मैंने कहते क्या प्रार्थना करूं मैं, क्योंकि मैं जब तक ये क्षमा नहीं करेंगी उनको, इनको आशीष नहीं मिलेगा। दोस्त ने मनाया अपनी माँ को, मैंने कहा नहीं मैं इसको माफ नहीं करूंगी, इस औरत को, इस बहू को, जब से ये आई है तेरी लाइफ में इसने छीन लिया है,
कुछ दिनों के बाद माँ की हालत, सास की हालत बहुत खराब हो गई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर दोस्त ने बुलाया कि पास्टर प्लीज आइए, प्रार्थना करिए मेरी माँ के लिए। कहते मैं क्या प्रार्थना करूँ, वो तो मानती नहीं। कहते नहीं, कोशिश करिए एक बार फिर। बहुत हल्खाना भी छोड़ दिया है और बिल्कुल कमजोर होती जा रही हैं, पीना भी छोड़ दिया, बहुत हालत खराब है। पास्टर गए उनके पास और माँ की हालत बहुत खराब। रास्ते में उनको बहू मिली। पास्टर ने बहू से कहा कि आप अपनी माँ से प्यार करती हैं, सास से प्यार करते हैं? हाँ मैं करती हूँ, लेकिन मेरी भी गलती है। उसने एहसास किया, पास्टर ने उसको एहसास दिलाया कि नहीं, आपको उनको माफ करना चाहिए, वो आपकी माँ है, आपकी सास नहीं है। प्रेम, उनसे प्रेम करना चाहिए, उनको प्यार करना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें हैं, निकाल दीजिए। हालेलुया, उसने कहा हाँ पास्टर मेरी भी गलती है, मैंने भी उनको बहुत कुछ सुनाया है और मैंने भी उनको दुख दिया है। अब जब अंदर गए केबिन में तो माँ लेटी हुई थी, बहुत कमज़ोर थी। तो पास्टर ने माँ से कहा कि माँ जी कैसी हैं आप? ठीक। कहती प्लीज़ मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ माँ जी, अपनी बहू को माफ़ करिए, आप ठीक हो जाएंगे। ना चाहते हुए भी पास्टर ने कन्विंस किया और उस औरत ने, उस सास ने अपनी बहू जो सामने खड़ी हुई थी माफ किया कि मैं इसको माफ करती हूँ। और बहू ने कहा माँ जी मुझे भी गलती हो गई, मैं भी माफ करती हूँ और मुझे माफ कर दीजिए। दोनों ने माफ एक दूसरे को किया और एक दूसरे की माफी कबूल की। प्रेज द लॉर्ड, पास्टर प्रार्थना करके आ गया। तीसरे दिन उस भाई का फोन आया कि उसकी मम्मी ने खाना शुरू कर दिया है, उसकी हालत आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रही है और विद इन ए वीक वो तंदुरुस्त हो गई और डिस्चार्ज होकर घर पर आ गई। आमीन। ये आप इसको जानते नहीं है, ये आत्मिक शक्तियां हैं, ये अलौकिक चीजें हैं जिनके बारे में यीशु मसीह ने बताया है कि हमें क्षमा करना है। अगर हम किसी को नहीं क्षमा करेंगे तो स्वर्गीय पिता भी हमको क्षमा नहीं करेगा। ये राइट है, ये सच है। इसलिए वो कहता है क्योंकि आपकी आत्मिक चीज, अगर आप उस चीज में नहीं चलेंगे मेरे भाई मेरी बहन, तो आप उस आशीष को नहीं पा पाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आप उस आशीष, अगर आप उस आत्मिक चीजों का पालन नहीं करेंगे, उस अलौकिक चीजों का पालन नहीं करेंगे, तो अशुद्ध आत्माएं आपके अंदर आती रहेंगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूं, बहुत अच्छा वचन है और जो आपको बहुत अच्छा लगेगा और जो आपके जीवन से रिलेटेड होगा। अगर मैं आपको पढ़ता हूं भजन संहिता 120, भजन संहिता 120 का पहला और दूसरा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पहला और दूसरा, प्रेज द लॉर्ड, ध्यान से सुनिए। संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मुझे जवाब दिया। भजनकार कहता है संकट के समय मैंने अपने पिता, अपने यहोवा, अपने परमेश्वर, अपने प्रभु को पुकारा और उसने मुझे जवाब दिया। क्या जवाब दिया ये नहीं बताया उसने, नहीं बताया कि मुझे क्या जवाब दिया, ये नहीं बताया। ये रहस्य उसने रखा। भजनकार ने ये नहीं बताया कि मुझे क्या जवाब दिया, उसने ये कहा कि संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मुझे जवाब दिया। क्या जवाब दिया, ये दूसरे में है, दूसरे में। अब वो परमेश्वर से बात नहीं कर रहा है, अब वो क्या, किससे बात कर रहा है? हे, हाँ, वो परमेश्वर से बोलता है कि हे यहोवा, झूठ बोलने वाले होठों से और छली जीभ से मेरे प्राणों को छुड़ा ले। यानी कि परमेश्वर ने उस भाई को, उस भजनकार को क्या जवाब दिया कि संकट लाने वाला मैं नहीं हूं, संकट मेरी वजह से नहीं आया तेरे घर में, तेरे जीवन में। संकट कौन लाया है? ये तेरे होंठ। संकट कौन लाया है? ये तेरी जीभ। इसीलिए वो कहता है यहोवा, झूठ बोलने वाले मेरे होठों से और छली जीभ से मुझे बचा। प्रेज द लॉर्ड, मैं आपको सच बताऊं, शैतान आपका दुश्मन नहीं है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन पता कौन है? आप खुद हैं, आप खुद हैं। शैतान आपका दुश्मन नहीं है, आपका दुश्मन आप है, क्योंकि आप खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं। हालेलुया, परमेश्वर ने बताया आपको कैसे जीना है, लेकिन हम वैसे नहीं जीते। और जब हम नहीं जीते हैं वैसे जीना, तो हम परमेश्वर का आशीष नहीं पा पाते और हम दोष लगाते हैं कि परमेश्वर ने हमें आशीष नहीं दिया, बीमारियां हमारे जीवन में बनी हुई हैं, हमें सुख नहीं मिल रहा है, हमें आशीष नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है?
क्योंकि आप उस आशीष को ले नहीं पा रहे हैं। आशीष आपके सामने है और आप आशीष को भगा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान दीजिए, जब आपको आशीष मिले धन्यवाद दीजिए। प्रॉब्लम क्या होती है, छोटी छोटी चीजें हमारे जीवन में आती हैं, हम धन्यवाद देना भूल जाते हैं। परमेश्वर ने आपको आशीष दी, धन्यवाद। आपको पता, यीशु मसीह जब चेलों के साथ थे, यूहन्ना बपतिस्मा वाले का कत्ल हो गया, और जब एक विरान में गए वो, और उन्होंने देखा हजारों की भीड़ आ गई है, प्रेज़ द लॉर्ड, और उनके मन में तरस आया कि इनके पास खाना नहीं है। तो उनको पता लगा, उन्होंने चेलों से कहा खाना दो, चेले नहीं समझ पाए कि यीशु मसीह क्या कहना चाहते हैं। तब पता लगा उन्होंने कि एक बच्चा 5 रोटी और 2 मछलियां लेकर आया है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या किया यीशु मसीह ने, तकरीबन 12,000 लोग थे, 5,000 आदमी, 5,000 औरतें और 2,000 बच्चे, ये तकरीबन 5,000 लिखा है बाइबल में, लेकिन हम समझते हैं कि तकरीबन 12,000 लोग होंगे। 12,000 लोग, और यीशु मसीह के पास क्या था, 5 रोटी और 2 मछलियां। क्या किया उन्होंने, प्रार्थना करने से पहले क्या किया, धन्यवाद किया। धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर, तूने मुझे 5 रोटी और 2 मछलियां दी है। हम धन्यवाद देना भूल जाते हैं। हमारे पास जो भी है, हमारे मन में द्वेष की भावना आती है। हम कहीं सर्विस कर रहे हैं, मान लीजिए हमारी पगार 10,000 रुपये है, हम संतुष्ट नहीं होते। हम कहते हैं यार मेरा जो दोस्त है वो मुझसे पढ़ा लिखा कम है, उसको नहीं आता कुछ भी, तब भी वो 15,000 ले रहा है। कैसे ले रहा है, कैसे प्रभु तो न्याय कर रहा है मेरा, कहां न्याय है। मैं उस नौकरी के लायक हूं लेकिन वो नौकरी नहीं मुझे मिल रही है। अरे मेरे बच्चे, तू धन्यवाद नहीं दे रहा है। जो थोड़े में विश्वास योग्य है उसे परमेश्वर ज्यादा में विश्वास योग्य बनाता है। ये आप नियम भूल गए, ये नियम आपको याद नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर ये नियम आपके पास है, विश्वास करिए, धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए। आप धन्यवाद देंगे, परमेश्वर आशीष देगा। आधी रोटी है, धन्यवाद। कुड़कुड़ाइए मत। इसराइलियों ने सबसे बड़ी गलती क्या की थी, कुड़कुड़ाया था। जब आप कुड़कुड़ाते हैं तो शैतान आपके साथ आ जाता है। फिर वो शैतान चाहता है कि आप परमेश्वर पर दोष लगाए, फिर वो चाहता है कि परमेश्वर को आप बुरा भला कहें, उसने जो दिया है उसको भी आप नकारें। अरे क्या दिया आपने नौकरी परमेश्वर, 10,000, एक 10,000 है, जैसे 10,000 आते हैं और मैं, मेरा मेरा किराया है, मेरे बच्चे हैं, क्या करूं मैं प्रभु, कैसे निभाऊं मैं, 10,000 में कोई काम होता है, उसके बाद मुझे आपका दशांश भी देना। मेरे भाई प्लीज, प्लीज भैया, अगर आपको अशुद्ध आत्माओं से बचना है, आपको धन्यवाद देना है, दिल से धन्यवाद परमेश्वर, आज तूने मुझे आशीष दिया और 10,000 रुपये दिए, मैं बहुत आशीषित हूं। मैं आपको सच बता रहा हूं, आपकी उन 10,000 में बरकत हो जाएगी। 10,000 जो आपके पास है, 1,000 रुपये आपने दशांश का निकाल दिया, आपके कितने बचे, 9,000। उन 9,000 पर आप प्रार्थना करिए, क्योंकि एक्चुअली में वो 9,000 ही आपके हैं। 1,000 जो आपका दशांश निकाला वो आपका है ही नहीं। हम एहसान करते हैं परमेश्वर और देखकर, अरे भैया आप कौन हैं और मैं कौन हूं एहसान करने वाला, परमेश्वर ने दिया और आपने दिया, आपने अपनी जेब से दिया क्या, 10,000 आपको मिला तो आपने 1,000 दिया ना, तो भैया पहले कुछ नहीं दिया, आप एहसान मत करिए। हम एहसान करते हैं, मन को नहीं देखता, परमेश्वर मन को देखता है। वो कंगाल विधवा के मन को देख रहा है कि इसने सबसे ज्यादा दिया है कि 2 तांबे के सिक्के दिए हैं, बहुत लोगों ने अपने बहुतों में से दिया है और इसने अपनी दरिद्रता में से दिया है। इसलिए धन्यवाद कहना मत भूलिए, धन्यवाद दीजिए। सुबह उठिए, धन्यवाद दीजिए, खाना खाइए, धन्यवाद दीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज जा रहे हैं ऑफिस, जा रहे हैं, जिस ऑफिस में काम कर रहे हैं, जिस मालिक के लिए काम कर रहे हैं, उसके लिए प्रार्थना करिए। हम उसके लिए नेगेटिव सोचते हैं, ये आदमी देखो यार, मुझे जब इसने काम पर रखा था तो बोला था कि 10 बजे और 5 बजे छोड़ दूंगा, लेकिन अब देखो तरीके से 5:30 बजे, 5:30 बज गया, 6 बज गया, अभी 7 बज गया। देखो किस तरीके से मुझे यूज कर रहा है ये आदमी। मैं प्रार्थना करवाऊंगा पास्टर से, इस आदमी को ठीक करवाऊंगा, इसका काम बंद होगा। नहीं मेरे भाई, मेरे भाई नहीं। हालेलुया, धन्यवाद दीजिए। परमेश्वर उसके मन को बदलेगा, परमेश्वर उसके मन में बोझ डालेगा,
परमेश्वर उसके मन में दया डालेगा और परमेश्वर उसके द्वारा आपको और आशीष दिलवाएगा। कैसे आशीष मिलती है? आपकी वजह से। आपकी आशीषें आपके पास है, लेकिन हम उसको लेना नहीं जान रहे हैं। सबसे बड़ी तो यह है बात, आज का विषय यही है। जिसने शेयर नहीं किया प्लीज शेयर करिए। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, इस वचन को अद्भुत, ये अद्भुत वचन है। मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा लोग आशीष पाएं, इसलिए जिसने शेयर नहीं किया प्लीज शेयर करिए, आपको आशीष मिलेगा, प्रतिबल मिलेगा। गॉड ब्लेस यू, हालेलुया। तो क्या हुआ, आपके पास सब कुछ है लेकिन आपको बोलना नहीं आ रहा है, आपको लेना नहीं आ रहा है, आपके पास तरीका नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए मैं आपको एक वचन पढ़ूंगा, आप इससे समझेंगे कि परमेश्वर का मन, परमेश्वर क्या चाहता है। अगर हम मती 11 निकालेंगे, मती 11 का 20 और 21, यहां पर 20 और 21, मती 11 का 20 और 21, यहां पर दो शहरों के बारे में बात हो रही है, दो शहरों के बारे में, और यीशु मसीह उनको हाय दे रहा है। दो शहरों के बारे में बात हो रही है और यीशु मसीह उन दोनों शहरों को हाय दे रहा है। हालेलुया। 20वां, तब वो उन नगरों को जिनमें अधिकांश आश्चर्यक्रम किए गए थे उल्हाना देने लगा, क्योंकि उन्होंने पश्चाताप नहीं किया था। आप जानते हैं जब परमेश्वर आपको आशीष देता है, आप धन्यवाद के संग पश्चाताप करिए कि परमेश्वर मुझे तूने इस योग्य बनाया। हालेलुया। उन्होंने पश्चाताप नहीं किया था। 21वां, हे खुराजीन तुझ पर हाय, हे बैतसैदा तुझ पर हाय, क्योंकि जो आश्चर्यक्रम तुम में किए गए यदि वे सूर और सैदा में किए जाते तो वे बहुत पहले टाट उड़कर और राख पर बैठकर पश्चाताप कर लेते। हमारे संग भी होता है, आपके संग भी होता है। आपको चमत्कार मिले, आपको आशीषें मिली, आपको नौकरी मिले, आपको बच्चा हुआ, आपको सब कुछ हुआ, लेकिन फिर क्या हुआ, ना धन्यवाद नहीं, अपने आप परमेश्वर से दूर हो गए। मैंने कई बहनों को देखा, 16 मेरे चर्च में आई थी, 16 साल की एक बहन, 16 साल से उसको बच्चा नहीं हुआ था, वो कहीं कहीं हर जगह घूम के आई। परमेश्वर ने कृपा की, वो हमारे चर्च में आई, हमने प्रार्थना की, जुड़वा बच्चे हुए, लेकिन हुआ क्या, जैसे बच्चा हुआ घर में बैठ गई, आज तक कलीसिया नहीं आई। आपको आशीष मिलता है पीछे चले जाते हैं, वो आशीष आपके पास रहता नहीं है, आप चंगे होते हैं चले जाते हैं। कई भाई बहन चंगे हुए, कईयों को आशीष मिलता है, प्रेज द लॉर्ड, आप चले गए, दुष्ट आत्माएं काम करती है, अशुद्ध आत्मा फिर आ जाती है आपके अंदर, आपको पता नहीं है। हेलो, आपको राज नहीं पता है, आपके धन्यवाद में आपका कवच है। जब आप धन्यवाद देते हैं तो आप अपने चारों तरफ कवच परमेश्वर के यीशु मसीह के लहू का, यीशु मसीह का बाड़ा बांध देते हैं। अय्यूब क्या करता था, रोज उठकर धन्यवाद देता था। इसलिए तो शैतान ने कहा कि अय्यूब क्यों तेरी प्रशंसा करता, क्योंकि तूने उसके चारों तरफ बाड़ा बांधा हुआ है। किस चीज का बाड़ा था वो, धन्यवाद का बाड़ा, शुक्रिया का बाड़ा। प्रेज़ द लॉर्ड। अरे मेरे भाई, यीशु मसीह ने हमें नया जीवन दे दिया है, यीशु मसीह ने हमारे मन को नया किया है, आत्मा को जिंदा किया है, हमें स्वर्ग का अधिकारी बना दिया है, अपने पास हमें बुला रहा है, बादलों पे सवार होकर वो हमको लेने के लिए आ रहा है। इतना सब कुछ उसने दिया। मेरे भाई सोचिए, अगर वो हमें इस धरती पर, इस जीवन में कुछ ना भी देना, तब भी धन्यवाद, क्योंकि उसने जो हमें दिया है ना, उसकी कीमत आप कब समझेंगे, जब आप स्वर्ग जाए, उसकी कीमत आप तब समझेंगे, जब आप स्वर्ग में पहुंचेंगे तब आपको एहसास होगा कि आपको क्या दिया है परमेश्वर ने, और जो यहां रह जाएंगे उनको देख तब आपको पता चलेगा। इसलिए धन्यवाद। क्या किया उन्होंने इन शहरों में, बैतसैदा कौन सा शहर था, बैतसैदा में वो 12,000 लोगों को रोटियां खिलाई थी, रोटियां खिलाई थी 12,000 लोगों को, 4,000 लोगों को रोटियां खिलाई थी, अद्भुत आशीष, अद्भुत चमत्कार किए थे। बैतसैदा में एक आदमी आया जिसके जो अंधा था, यीशु मसीह उसको शहर से, उस बैतसैदा से बाहर लेकर गए, वहां पर उसे चंगाई दी और उससे कहा इस शहर में मत आना। क्यों? क्योंकि वो शहर श्रापित था, क्योंकि वहां के लोगों ने धन्यवाद नहीं कहा, उन्होंने पश्चाताप नहीं किया। आपका पश्चाताप, आपका धन्यवाद ही आपको आशीष देता है, परमेश्वर से मिलवाता है, परमेश्वर के करीब लेकर जाता है। आपकी आशीषें आपके पास आती हैं, आप उनको
आप उनको महसूस कर पाएंगे, आप अपने जीवन में उनको महसूस कर पाएंगे। आप धन्यवाद देके देके थोड़े में धन्यवाद दीजिए। हालेलुया। अब देखिए, छोटी गलती हो जाए पश्चाताप कर लीजिए। आपको पता है मुझसे गलती हो गई, घुटने पे आइए, पश्चाताप करिए, प्रभु मुझे माफ करिए, लेकिन फिर वो काम मत करिए, प्रभु आपको आशीष देगा। मैं आपको सच कह रहा हूं, मेरा आजमाया हुआ है, इसलिए जो बीमारियां आपके जीवन में आती हैं वो आपकी वजह से आती है। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर लेकर नहीं आता है, वो कहता है, आपने देखा भजन संहिता 120 का 1-2 कि संकट कौन परमेश्वर लेकर नहीं आया, आप खुद लेकर आए, आपकी जीभ लेकर आई, आपका मन लेकर आया, आपका अशुद्ध मन लेकर आया, आपका स्वार्थ लेकर आया संकट आपके जीवन में, आपका मोह लोभ लेकर आया। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान दीजिए, एक आपका अंतिम वचन पढ़ता हूं मैं आपको, इब्रानियों 13:5, इब्रानियों 13:5, बहुत कुछ है बोलने के लिए लेकिन समय नहीं है हमारे पास। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इब्रानियों 13:5, ध्यान दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान दीजिए, इस वचन को बहुत लोग कोट करते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ अंतिम में, हालेलुया, कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी ना त्यागूंगा। इस वचन को लोग कोट करते हैं लेकिन इस वचन को पूरा कोई नहीं पढ़ता। मैं आपको बताता हूं पूरा पढ़कर। 5, तुम्हारा जीवन धन लौलुप्तता से मुक्त हो, जो तुम्हारे पास है उसी में संतुष्ट रहो, क्योंकि उसने स्वयं कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी ना त्यागूंगा। लेकिन उसके पहले आपको अपने मन को शुद्ध करना है। Praise the Lord। अगर आप चाहते हैं कि यीशु आपको कभी ना छोड़े, अगर आप चाहते हैं कि आपको यीशु मसीह कभी ना त्यागे, तो अपने अंदर से मोह को निकालिए, संसार को निकालिए, धन्यवाद की आत्मा लेकर आइए। अशुद्ध आत्माएं कभी नहीं आएंगी। जब भी आप बोलें, अपने घर में भी बोलिए, मैं बहुत आशीषित हूं, परमेश्वर की बहुत कृपा है मुझ पर। हो सकता है पड़ोसी यहां पर बैठा हो और कहे, टूटा फूटा घर है, बैठने के लिए सीट नहीं है, हैं? खाते ये लोग एक सब्जी हैं और कैसे कह रहे हैं, वो खुद आश्चर्यचकित होगा। उससे बोलना, भैया आप उस इशू को जानते ही नहीं है, उसका आनंद मेरे लिए है, उसका प्रेम मेरे लिए है, उसकी शांति मेरे लिए है, उसकी आत्मा मेरे अंदर है, मैं बहुत आशीषित हूं। अपनी आशीषों को अंगीकार करके जोर से बोलिए, शैतान भाग जाएगा, अशुद्ध आत्माएं चली आएंगी, इधर भागेंगी। जब आप कहेंगे ना, अरे मैं अशिक्षित हूं, शैतान कुछ कर ही नहीं पाएगा, मैं चंगा हूं, मैं बहुत चंगा, धन्यवाद। आप लोग कहेंगे, यहां दर्द हो रहा है यार, दर्द जाता ही नहीं, इधर दर्द जाता ही नहीं, इधर नहीं हो रहा, नहीं, परमेश्वर का आशीष, धन्यवाद, मैं बहुत शक्तिशाली हूं, मेरी नसों में बहुत शक्तियां, हालेलुया, मेरे हाथों में बहुत शक्ति, मेरे पैरों में बहुत शक्ति, धन्यवाद, मुझे बहुत आशीषित आपने जीवन दिया प्रभु, हालेलुया, अच्छी नींद दिया, धन्यवाद, धन्यवाद। अपने मुंह से अंगीकार करिए कि आप आशीषित हैं, और आप देखिए अशुद्ध आत्माएं निकलना शुरू कर देंगी, भागेंगी, आपकी बीमारियां ठीक होना शुरू हो जाएंगी, आपके बंद काम, बिगड़े काम, बंद काम चलने शुरू हो जाएंगे, आपके धंधे शुरू हो जाएंगे, आपकी नौकरियों में आशीष मिलेगा। सिर्फ आपको इतना बोला, मैं बहुत आशीषित हूं, मेरा बच्चा बहुत आशीषित है, मेरी पत्नी बहुत आशीषित है, मुझे आशीषित पत्नी दी है, मुझे आशीषित बच्चा दिया है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर का, आज का दिन बहुत अच्छा है। अगर आपने अब तक शेयर नहीं किया तो प्लीज शेयर करिए, और आप आशीष पाइए, क्योंकि हमें दूसरों के लिए आशीष का कारण बनना है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके बौद्ध सामर्थ्य नाम के लिए। परमेश्वर, महिम और आदर के योग्य हैं हम, आपकी विधियों को, आपके तरीकों को समझे परमेश्वर, जो आप चाहते हैं। यस लॉर्ड, आपने हमें अद्भुत आशीष दिया है परमेश्वर। मेरे भाई मेरी बहनें जो सुन रही हैं, परमेश्वर बुद्धि दे, ज्ञान दे, ताकि वो उस आशीष को अपने ग्रहण कर सकें, वो जीना सीखें। हम मसीह हैं, हम आशीषित हैं, उनके मन को पूरी तरह से और आशीष दीजिए, बदलिए, ताकि अपने मुंह से वो अंगीकार करें कि यीशु के बच्चे हैं, हम यीशु मसीह के बच्चे हैं, हम यीशु मसीह हमारा प्रभु है। अंगीकार करिए, आपके आशीष का अंगीकार करिए, आपके सुख का अंगीकार करिए, उसकी दया का अंगीकार करिए, उसकी कृपा का अंगीकार करिए। परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा। हालेलुया, धन्यवाद।
प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद प्रार्थना आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम से करते हैं। प्रार्थना आपने सुनी और कबूल की। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूं कि आज का प्रचार आपको अच्छा लगा होगा, आपको आशीष मिली होगी। मैं यूं आपके पास आपके सामने इस तरह आया हूं, इसकी एक वजह है मैं आपको एक गवाही दिखाना चाहता हूं। जैसे आपको पता है कि परमेश्वर की बहुत कृपा है कि आप लोग मेरे प्रचार को, प्रीचिंग को पसंद कर रहे हैं और दुनिया के कोने कोने में ये प्रीचिंग जा रही है और वहाँ से लोगों के फ़ोन आते हैं और प्रार्थना करवाते हैं। ऐसा ही एक बहन प्रिया जो हरियाणा से मुझे फ़ोन करती है, बहुत बीमार थी वो, मैंने उसको आज तक नहीं देखा, सिर्फ फ़ोन पे हम लोगों ने बात की है। और परसों उसका फ़ोन आया और वो बहुत दुखी थी और उसने मुझे बताया कि उसकी आंखों के सामने अंधकार है, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है प्रॉपर, और उसने बहुत दुखी थी, पीड़ित थी। और उसने कहा कि भाई मैं उनके लिए प्रार्थना करूं, तो मैंने उनके लिए यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना की और परमेश्वर ने कृपा की, उसी समय उनकी आंखों को चंगाई मिली, उनको आशीष मिला और वो देखने लगी। उनकी पीड़ा जो शरीर में थी वो भी चली गई और उन्होंने वो गवाही अपने फ़ोन से हरियाणा से उन्होंने मुझे भेजी है और मैं वो आपको दिखा रहा हूँ। और मैं विश्वास करता हूँ ये गवाही देखकर आपको अद्भुत आशीष होगा। मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा। प्रार्थना में रहिए और प्रभु में बने रहिए। प्रभु का आशीष हो और मेरी प्रीचिंग्स, मेरे जितने भी आपके चैनल्स में जितने भी व्यूज हैं वो आप देखते रहिए और आशीष पाइए और दूसरों को शेयर करिए। गॉड ब्लेस यू। बहन भाइयों को जय मसीह की। मैं प्रिया हरियाणा से। मैंने अनिल कोचर का यूट्यूब पे वीडियो देखा और वो भाई ने बहुत अच्छा प्रचार किया। मेरे बीच में तबीयत खराब सी हो गई, मुझे चक्कर आने लगे और धुंधला मुझे दिखाई देने पड़ा और मेरे हाथ पैरों में चीज होने लगी। मैंने उस यूट्यूब में से पर भाई अनिल कोचर का लंबर लिया और मैंने उस भाई से प्रार्थना करवाई और परमेश्वर ने मुझे चंगा किया और उस भाई परमेश्वर ने मुझे चंगा किया। इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर का। जैसे मेरे जीवन में परमेश्वर ने कार्य किया, ऐसे ही सभी बहन भाइयों के जीवन में परमेश्वर आशीष दे। भाई अनिल कोचर के द्वारा उसने मेरे लिए प्रार्थना की और परमेश्वर ने मुझे चंगा किया, इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। सभी बहन भाइयों को जैसे मुझे आशीष मिली वैसे ही सबको आशीष मिले। जय मसीह की।